जब ब्रज गोपियों को प्रेम देखा, जब कृष्ण ने वहाँ से मथुरा से यहाँ भेजा था, यहाँ विशेष रूप से इसलिए भेजा था कि जो ये प्रेम के परिपाटी सीखे। बहुत बुद्धिमान है उद्धव। तू उद्धव कौन है? विष्णु नाम प्रभो मंत्री कृष्ण साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। ये सब में निपुण है, लेकिन जो एक इनकी जो बचा हुआ पाठ हो क्या है वो प्रेम, वो चीज यहाँ सीखने के लिए भेजा था। जब गोपियों की महिमा वो सुने तो अंत में जो है उद्धव जब कृष्ण लीला संवरण के चले गए तो एक रूप से वो यहाँ आके गोपियों की प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। यहाँ अभी भी उद्धव जी जो गुलता इत्यादि बन के यहाँ भजन कर रहे हैं। उन्होंने जो गोपियों की ऐसी विरह दशा, कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा गाढ़ प्रेम को देखा उद्धव जी तो आश्चर्य का ठिकाना रह रहा। उनकी ज्ञान की जो ज्ञान कहाँ गई, ये जो कृष्ण के किस तरह से स्मरण गोपियाँ करती हैं, ये उन्होंने बहुत ही उद्धव ये होके बोले कि ऐसा जन्म अगर मेरे मिल जाता तो मेरा ही जीवन सार्थक है। बोले किस तरह से ये गोपियाँ कृष्ण में आविष्ट होके अपने जीवन बिता रही है। ऐसा किम जन्म ब्रह्म जन्म बिर अनंत कथा रसस्य, पर कि जगत में ये गोपियों का जीवन धारण करना ही सार्थक है, क्योंकि ये कृष्ण के भावों में भावित है। ऐसा स्थिति तो बड़े बड़े योगियों की प्राप्त नहीं होती है। बड़े बड़े योगी जो हैं इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते, वो जो ये गोपियों की प्राप्त है। अगर ऐसा स्थिति किसी को प्राप्त नहीं हो पाए तो जीवन धारण करना ब्रह्मा के कल्प के समान आयु होने पर भी क्या लाभ है। उद्धव जी ऐसे करते हुए बहुत ही ब्रज गोपियों की बंदे ब्रज स्त्रियां पाद ने रेणु अभिष्णस, ये सब स्तुति कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ए न अर्चितम अजादि व्याप्त कामय योगे सरय हृदय राष्ट्र गोष्ठ्याम कृष्णस्य तत्पाद चरण अरबिंदम नस्तम तनेषु बिजहु प्रेरभ्य तापम। बोले कि ये गोपियाँ जिस चरणों की अर्चना जो है कौन करते रहते हैं, बड़े बड़े योगी इत्यादि जो करते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते उस चरणों को, उसको उस चरण को गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। उस चरण को कैसा है गोपियों की सौभाग्य है, ऐसा दशा क्या हमें कभी प्राप्त होगी। ये लोभ उद्धव जी के अंदर उत्पन्न हुआ, इस कारण उद्धव जी ये कुसुम सरोवर के पास आए, ये जो गोवर्धन में, और यहाँ उसको प्राप्ति करने के लिए ये जो तपस्या कर रहे हैं। अभी भी उद्धव जी यहाँ वर्तमान है। भागवत में भी आता है जब परीक्षित महाराज और बजनाभ इत्यादि जब यहाँ आए तो उद्धव जी प्रकट होकर भागवत कथा किया है। उद्धव कृष्ण से अणु मात्र भी कम नहीं है। न उद्धव अणु अपि ममीनो न अर्दितो प्रभु अतः मत बयूनम लोके तिष्ठति यह तनु। उद्धव कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि उद्धव मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं है, इसलिए मेरे भक्ति के प्रचार करने के लिए यहीं रहे। जब कृष्ण स्वधाम गमन करना चाहते हैं उस समय बोल रहे हैं कि उद्धव जो है कृष्ण से थोड़ा भी न्यून नहीं है। रंग भी वैसा है और जो समस्त माया से कभी भी माया से ऊपर हैं, गुणातीत हैं, सब कृष्ण के गुण उद्धव के अंदर संचारित हुआ है, इस कारण जो है न्यून नहीं है। यद्यपि भगवान नहीं है फिर भी कह रहे हैं कि न्यून भी नहीं है, इतना जो प्रभावशाली उद्धव है। तो उनके इस तरह से अनेक अनेक श्लोकों में आसाम चरण इत्यादि अनेक कई श्लोकों में बहुत ही ब्रज गोपियों की उन्होंने वंदना किया है। वंदना करके फिर जो है वापस वहाँ गए। अब ये देख रहे हैं वापस जब गए कि कृष्णा जो ये इस ब्रज गोपियों के त्याग कर दिया, इतना प्रेम मोती थी फिर भी उनको त्याग कर दिया, तो मेरे को कहीं प्रत्याग नहीं कर दिया, इस कारण मथुरा गए। मथुरा जा करके वहाँ उसके बाद अन्य कृष्ण की लीलाएँ हुई है, लेकिन जो है उद्धव जो है हर समय यहीं विराजमान है, इसलिए इसके कुंड पे आए हम, उद्धव कुंड पे आए। यहाँ ब्रजनाभ जी ने जो 550 कुंड बनाए ब्रज में, उसमें एक भी कुंड है। सांडिल ऋषि और जो भागुरी ऋषि
और फिर जो ब्रजनाभ इत्यादि जो प्रसिद्ध महाराज हैं, इनको सबके संरक्षण करके कहाँ कौन लीला स्थलीय हुआ है इसका उस रूप में यहाँ प्रकाशित किए उद्धव कुंड। हमारा पर सौभाग्य है कि ब्रज में इस कुंड पर हम लोग पधारे और यहीं हम उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से वो वैष्णव के अग्रगण्य हैं, उनसे मतलब कि वैष्णव की कोटि वहीं पर समाप्त हो जाती है, इसके ऊपर परिकर्तव है। गोपियाँ जो हैं ये कृष्ण के साक्षात क्या हैं, प्रकाश हैं, उनके जो राधा रानी क्या हैं, गोपियाँ राधा रानी की ही एक व्यूह है। राधा रानी ही गोपियों के रूप में प्रकट हुई है, राधा रानी सखियों के रूप में, मंजरियों के रूप में, सब उन्हीं का प्रकाश है। अनेक क्योंकि अनेक अनेक कांताओं के बिना रस में उल्लास नहीं होता, इस कारण जो है राधा रानी अपने आप को ही सब रूपों में विभक्त किया है। इसलिए भक्त कोटि कहाँ तक है, उद्धव तक जो है भक्त कोटि है। इसलिए ऐसे परम जो गुरु जी भक्त हैं उनके हम चरणों में सब सब कोटि प्रणाम करते हैं। और महाराज की देखो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर क्या करते थे, कृष्ण उद्धव जी को ही क्यों ब्रज में भेजे, इसका कारण क्या है? तो इसका पीछे कारण कहते थे गुरुदेव, विशेषकर गुरुदेव क्या करते थे, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, अगर हम कभी रो करके कभी वो दुख को निकाल दे, नहीं तो अगर उनके भाव को अगर कोई समझता है, अगर अपना हृदय खोल करके उसको अपना भाव को अभिव्यक्ति कर दो, क्या हो जाता है, फिर तुम्हारी दुख कम हो जाता है। अगर अंदर अंदर में घुटते रहो ना, एक दिन वो पागल हो जाता है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण ये ब्रजवासी मेरे विरह में दुखी, मैं भी ब्रजवासियों को विरह में दुखी हूँ, लेकिन ये गोपियाँ वो समझ आती है। इसलिए एक व्यक्ति दुख कब समझेगा, तुम्हारी समझ आती को तभी तो दुख समझ सकता है ना, वो तो आपस में दुख को बोल करके बांट लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेला पड़ गया। अभी अगर मैं गोपियों को प्रेम की बात अगर किसको बताऊँ, कोई मेरे बात नहीं समझे, तो पागल है, कहाँ ये गुआ लेने की बात करते, खड्डा थपने थपथपाने वाली दधी बिलोने वाली जो जंगल में रहती है, हैं कोई मास्त्रियम व्यभिचारी बनचारी जुष्टा, इनका कोई आचरण ठीक नहीं, उनकी बार में कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए ये चीज़ को समझेंगे नहीं उनका जितना प्रेम है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैं किसी व्यक्ति को ब्रज में भेजूँ और वहाँ पर एक कलेज है, और जो कलेज का प्रिंसिपल कौन है, राधा रानी, कहते प्रोफेसर कौन है, कहते ललिता विशाखादी से प्रोफेसर है, हैं? अगर वो प्रेम रूपी कलेज में भेजूँ, इसको तो भेजा था, कहाँ गया था, स्वर्ग गया था पढ़ने के लिए, लेकिन उसने तो सारे विद्या पढ़ी, लेकिन एक विद्या भी बाकी रह गई, बोले कौन सा विद्या है, प्रेम की विद्या भी बाकी रह गई है, अब इसको इच्छा पढ़ने का बाकी है। इसलिए अभी उसको अभी होता है ना, कभी कभी हाई फाई कोई अगर स्कूल कॉलेज हो, हाई फाई स्टूडेंट चाहिए, जैसे तैसे स्टूडेंट वहाँ भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन वो कॉलेज तो बड़ा हाई फाई है, लेकिन स्टूडेंट भी तो हाई फाई होनी चाहिए। कृष्ण ने देखा ये मथुरा में ऐसे कोई स्टूडेंट क्या है जो वहाँ भर्ती हो सकता है, देखा यहाँ पर कोई स्टूडेंट है नहीं, अगर स्टूडेंट है कोई वो उद्धव जी है, लेकिन वो पूरा पूर्ण रूप में क्वालिफाइड नहीं है, थोड़ी बहुत है। अगर इसको हम ब्रज में भेज दे, वहाँ पर स्कूल में एडमिशन हो जाए कॉलेज में, और वहाँ पर राधा रानी से प्रेम की पाठ पढ़े, अगर उसको पढ़ करके इधर आए ना, फिर अपना मन की बात में इसको बता सकता हूँ। कहती ये पहला कारण है उद्धव जी को भेजे। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है, लेकिन ब्रज प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। अगर जैसे तैसे व्यक्ति अगर ये बात को बोलेगा ना, लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई बात को बोलते हैं ना, बोले भैया कुछ इसमें दम है, हैं? उसी तरह ऐसे एक व्यक्ति को वहाँ भेजनी चाहिए जो वहाँ की प्रेम को देखे और इधर आकर पंच मुँह से उन्होंने वर्णना करे। जब उनकी प्रेम को वर्णना करेंगे, बोले भैया उद्धव जब व्यक्ति बोल रहे हैं, उद्धव कौन है, हैं? भगवान कहते न तथा हमें प्रियतम आत्मज्योनिर न शंकर, इसलिए उद्धव इतना प्रिय, ब्रह्मा भी उतना प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं, बलदेव प्रभु नहीं, कहते मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं, उद्धव इतना प्रिय है। इसलिए अगर ये अगर किसी बात को बोले, फिर लोग विश्वास करेंगे। इसलिए दूसरा कारण है, बोले तीसरा कारण क्या है, बोले तीसरा कारण है, कहते जैसे बहुत गहरा कहीं पानी हो, अगर किसको तैरना नहीं आता है, अगर वहाँ छलांग लगाएगा तो क्या होगा, डूब मरेगा। तैरना आता है तुम लोगों किसको, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर छलांग लगा दोगे तो डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि तैरना नहीं आता है। इसलिए तैरना व्यक्ति को देखनी चाहिए। इसलिए
कहते उनका जो प्रेम है ना, इतने महान उनका प्रेम है, समुद्र अगर वहाँ पर जैसे तैसे व्यक्ति को भेजू ना, वो तो एकदम डूब करके भौरा इतना जोर जबरदस्ती भौरा घूम कर डूब कर मर जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भेजनी चाहिए जो उसमें तैरना थोड़ी बहुत सीखा हुआ हो। कौन है? बोले श्री उद्धव जी है। ये उद्धव जी, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, उनका प्रेम इतनी ऊंचाई जैसे हिमालय पर्वत। अगर कोई टोपी पहना हुआ, अगर उसको देखो ना, अगर ऐसे करते 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 टोपी के, इसलिए कहते उनका प्रेम इतना जोर, इतना उच्च स्तरीय प्रेम है। इसलिए ये उद्धव जी को कृष्ण, इसलिए उद्धव जी को यहाँ पर ब्रज में भेजे, वहाँ पर कुछ सीख करके आए, फिर मैं अपना मन की बात में उसको बता सकता हूँ। इसलिए लेकिन उद्धव तो पहले अपने को अभिमान करते थे, अरे ये गोपियाँ, इनको समझाना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात, मैं स्वर्ग में बृहस्पति के पास में पढ़ करके आया हूँ, और ये गोपी ग्वाल इनको समझाना कोई बड़ी, इसको चुटकी बजाते हुए मैं इनको समझा देंगे, ये अभिमान लेकर के आए थे। लेकिन कृष्ण को पता था ये तो जा रहा है, हैं? लेकिन वो उनको समझा नहीं पाएगा, इसलिए उनकी बात उनको पता था, समझा नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा देख उद्धव, कोशिश तो करना, लेकिन जब किसी तरह से उनको समझा नहीं पाओगे ना, एक काम करना, उनको ये बोल देना यहाँ पर आंख बंद कर बैठ जा, पर बैठ जाएगी तो मैं स्वयं आऊंगा, फिर मैं स्वयं आ करके तभी ये संतुष्ट होंगे जब मेरे साथ में ये लीला करेंगे, उसको पहले संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए जब उद्धव जी बहुत कोशिश किया, इसलिए बोले बुद्ध शुद्ध है गयो सुन गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की डोल। इसलिए जब किसी तरह समझा नहीं पाए तो उन्होंने बोले तुम लोग बैठ जाओ, कृष्ण ने कहा तुम बैठो, आंख बंद करो, बैठ बैठ जा। गोपियां सब आंख बंद कर बैठ गए तो कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट होते, प्रकट होकर उनके साथ में रास लीला करते हैं, जल विहार करते हैं, हिंदू लीला करते हैं, कुंज लीला करते हैं, मधुपान करते हैं, नौका विलास करते हैं, सब कृष्ण उनको साथ में, सारे लीलाओं को कृष्ण गोपियों को साथ में किया। जब गोपियों को साथ में किया, बस गोपियां संपूर्ण रूप में संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के जब उन्होंने संतुष्ट होकर फिर राधा रानी के प्रेम को जब गोपियों ने देखा, ये उद्धव जी ने देखा, देख करके फिर उन्होंने क्या किया, फिर जो 5-6 श्लोक में ब्रज गोपियों की महिमा को उन्होंने गान किया, कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीनांग पाद रेणु अभिस्नक्षा जासाम हरि कथत गीतत सुनाती। लास्ट में कहते इनकी चरण की एक धूल को प्रार्थना करते, बोले एक धूल किसकी? बोले श्री राधा रानी की चरण की एक धूल को मैं प्रार्थना करता हूँ, है इसलिए जिस धूल के लिए ब्रह्मा शंकर नारद भी तरसते हैं, है इसलिए उन्हें एक धूल को प्रार्थना करते हुए बोले यहाँ पर उन्हें नहीं रहे, हैं नहीं रहे, कृष्ण को तो बोल रहे थे, बोले कृष्ण तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ। कृष्ण ने कहा अगर वहाँ जाओगे तो मेरे को तो भूल जाओगी, सचमुच से बोले तो एक दिन मेरे रह नहीं पाए, यहाँ 6-6 महीना बीत गया भूल गए, लेकिन रहे नहीं क्यों, वापस क्यों गए? बोले कारण वापस गए, कहते इनकी प्रेम इतने हाई भाई प्रेम है। बोले भैया पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भस निर्वासनम, उनका जो विरह को भैया मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे अंदर में इतना हिम्मत नहीं जो कि इनकी विरह को मैं सहन कर पाऊँ, इसलिए उन्होंने तो आए लेकिन सहन नहीं कर भागे, भागे यहाँ से, कहाँ चले गए? हरिद्वार मथुरा चले गए, और पंचमुह में उन्होंने ब्रज गोपियों की महिमा को पंचमुह में उन्होंने गान की, और जिसको द्वारा सारा दुनिया को पता चला ब्रज गोपियों की प्रेम की कितने गाना था। हे बोले श्री उद्धव महाराज की, बोले श्री ब्रज गोपियों सुंदरियों की, श्रीमती राधा रानी की। गुरुदेव कहते यहाँ पर जितने सब घास है ना, हर कल्प में उद्धव जी प्रार्थना करते, इसलिए गुरुदेव कहते जितने घास सब उद्धव जी सब घास यहाँ पर जन्म लेकर भजन कर रहे हैं। महाराज गौर ब्रह्मानंद हरि हरि।